एक नवंबर से शुरू होने वाले धान क्रय की तैयारियों में विभाग जुट गया है, जिसके लिए कृषकों द्वारा धान विक्रय करने हेतु कराए जाने वाले पंजीकरण में अभी तक करीब 2000 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसके संबंध में संभागीय खाद नियंत्रक गोरखपुर राममूर्ति पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष जो किसान गेहूं हेतु पंजीकरण करा चुके हैं, उन किसानों के पंजीकरण हेतु ये व्यवस्था बनाई गई है कि अपने पुराने पंजीकरण संख्या के आधार पर पंजीकरण कराएं तथा प्रपत्र में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे सही करा लें और लाग करें कि भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा सके एवं जो नाम खतौनी बैंक खाते में हो वही नाम रजिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए, ताकि इसको उनको धान का मूल सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए संभागीय खाद नियंत्रक गोरखपुर राममूर्ति पांडे ने कहा। किसानों के पंजीकरण के लिए जैसा कि खरीफ विपणन वर्ष योजना के अंतर्गत 1 नवंबर से यहाँ धान खरीद शुरू होगा पूर्वांचल के जनपदों में, उसके लिए गवर्नमेंट ने किसानों के पंजीकरण की सुविधा शुरू कराई है जो 25 अगस्त से प्रारंभ है और हमारे मंडल में अब तक करीब 2000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है और इससे किसानों को ये सुविधा होगी कि उनका जो खाद्यान्न है, जो धान की पैदावार है और जो उनका रकबा है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी सत्यापित करा ली जाती हैं उप जिलाधिकारी से और तत्समय जब वो केंद्र पर अपना बेचने जाते हैं तो उसी पंजीकरण के आधार पर उनका धान क्रय करके और उनके खाते में पैसा भेज दिया जाता है। इससे किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरा सभी कृषक भाइयों से यही अनुरोध है कि वो जो भी उनका रकबा है, जो भी उनका क्षेत्र है, अधिक से अधिक संख्या में अपना समय से पंजीकरण करा लें, जिससे उनको अपनी फसल को उचित मूल्य मिलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। निश्चित रूप से इससे बिचौलियों का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म होगा और जो व्यवस्था की गई है RTGS से भुगतान की व्यवस्था है, किसानों के खाते में जो उनका खाता नंबर नाम अंकित रहेगा उसी खाता नंबर और नाम में पैसा जाएगा, इससे न कोई घटतौली होगी और न किसी बिचौलिए का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा।